हाय एवरीवन, ऐसा कहा जाता है कि टुडेज रीडर इज टुमारोज लीडर। और बड़े बड़े लोग ये भी कह के गए कि आज आप किन के साथ रहते हो और कौन सी बुक पढ़ते हो, यही आपका आने वाला भविष्य निश्चित करेंगे। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम ऐसा हो चुका है, आज हमें हर रोज इतने काम है कि उसकी वजह से रीडिंग के लिए हमें टाइम ही नहीं मिलता। ये कंप्लेंट हर दूसरे आदमी से हमें सुनने को मिलती है। तो इसके लिए मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ प्रेसी ओ क्लॉक, ये बुक समरी की एक सीरीज आपके सामने मैं ऑडियो और वीडियो के माध्यम से लेके आ रहा हूँ। तो अगर आप सुबह वॉकिंग करते समय या ड्राइविंग करते समय भी या कभी भी आपको जब भी टाइम मिलेगा, आप ये वीडियो सीरीज अगर सुनते हो और इसके टिप्स अगर आप यूज करते हो, तो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ इंप्रूव होगी। नमस्ते, मैं प्रोफेसर महेश खड़के, मेंटर, काउंसलर एंड प्रोपराइटर ऑफ वीएम ट्यूटोरियल्स। ये एजुकेशन सेक्टर में मुझे गए 20 सालों का अनुभव है और ये अनुभव से मुझे ये पता चल चुका है और आपको भी ये पता है कि हम लोग जितनी ज्यादा बुक्स पढ़ते जाएंगे उतना हमारा जीवन संपन्न होते जाएगा। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए पहली बुक लेके आ रहा हूँ, वो है काउंसलिंग एंड पेरेंटिंग स्किल। अभी ये बुक ही मैंने क्यों चुनी, क्योंकि हर रोज पेरेंट्स से और आजू बाजू के घरों से हमें ये कंप्लेंट आती है कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, सुबह जल्दी उठते नहीं है, घर का खाना खाते नहीं है, मोबाइल को छोड़ते नहीं है, पढ़ाई में ध्यान नहीं है और ऐसी ढेर सारी कंप्लेंट्स हमारे पास आती है। और इसके लिए फिर या तो उन्हें टीचर के ऊपर डिपेंड रहना है, या तो काउंसलर के ऊपर डिपेंड रहना है, या किसी दूसरे आदमी के ऊपर डिपेंड रहना है। तो हर बार आपकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आएगा, हमेशा हमें हमारी खुद की मदद करनी पड़ती है, हमारी फैमिली को हमें संभालना पड़ता है। इसके लिए अगर आपके पास काउंसलिंग की स्किल होगी तो आप आपके बच्चों को बहुत अच्छे तरह से हैंडल कर पाओगे। तो आप एज अ पेरेंट हो, शादीशुदा हो, शादी होने वाली है, आपके बच्चे हैं या तो बच्चे होने वाले हैं, या आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं, आप ग्रैंड पेरेंट्स हो, हर एक इंसान के लिए ये बुक और उसके टिप्स बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। ये जब आप सुनोगे ये बुक की समरी और इसके टिप्स आप जब यूज करोगे, तो आपकी फैमिली की लाइफ बहुत ही इम्प्रूव हो जाएगी। तो दोस्तों, हम लोग पहले देखते हैं ये बुक लिखी किसने। ये बुक लिखी है जानकी शर्मा जी ने। और ये जानकी शर्मा जी एक्चुअली है क्या, है कौन, और इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड अगर हम लोग देखते हैं, तो इन्होंने मास्टर्स किया है केमिस्ट्री में, उन्होंने बीएड भी किया है, एमएस किया है काउंसलिंग एंड साइकोलॉजी में। इनके उम्र के 25 साल वो एज ए एजुकेशनलिस्ट टीचर रह चुकी हैं, लेक्चरर एंड वाइस प्रिंसिपल, और बाद में प्रिंसिपल हो चुकी है हायर और सेकेंडरी स्कूल की, जो भिलाई स्टील प्लांट है, आपको सबको पता ही है, बहुत ही फेमस प्लांट है भिलाई में, वहाँ के जो स्कूल है उसकी वो प्रिंसिपल रह चुकी है। वो वहाँ के भिलाई स्टील प्लांट के जो काउंसलिंग सेंटर है वहाँ की वो एक्स मैनेजर रह चुकी है। 9 साल तक उन्होंने मुंबई में खुद का काउंसलिंग सेंटर भी चलाया है। 4 साल तक उन्होंने सोशल वेलफेयर बोर्ड है वहां पे उसके इंचार्ज रह चुकी है और आज आफ्टर द रिटायरमेंट आज भी वो काउंसलिंग का काम कर रही है। तो इतने जबरदस्त जो व्यक्ति है जिनका जो अनुभव है ये क्षेत्र का, ऐसी व्यक्ति की बुक आज हम लोग देख रहे हैं। लेकिन बहुत बार पेरेंट्स को ऐसे लगता है कि ये क्यों करना है भाई काउंसलिंग, मुझे क्यों ये जानना जरूरी है। हमारे पेरेंट्स ने थोड़ी काउंसलिंग का कोई कोर्स किया था, हमारे पेरेंट्स ने थोड़ी काउंसलिंग की स्किल सीखी थी। तो ये क्या नए जमाने के नए नए ट्रेंड आते जा रहे हैं। ये बहुत सारे पेरेंट्स से ये भी क्वेश्चन हमें सीखने मिलते हैं। लेकिन पेरेंट्स, अब जमाना बदल चुका है। इवन कोविड के बाद तो आपको खुद को ही आप देखते होंगे कि आपके बच्चों से बहुत सारे पेरेंट्स तो परेशान हो चुके हैं। बच्चे डिसिप्लिन में नहीं हैं, बच्चे प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं है, उनकी चीजें जगह पे नहीं रहते हैं, बच्चे हाइपर एक्टिव हो चुके हैं, उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है, खाने पीने की आदतें बिगड़ चुकी है। ऐसी एक ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स पेरेंट्स फेस कर रहे हैं, इवन उनके वर्क का उन्हें स्ट्रेस है। और ऐसे टाइम पे हमेशा हमें या तो टीचर से मिलना या तो काउंसलर से मिलना पॉसिबल नहीं है, और थर्ड पर्सन आपकी हेल्प करेगा, लेकिन उसके लिए कुछ चीजें हैं रोज हमें घर में यूज करनी पड़ती है। तो पहले ऐसे क्यों नहीं होता था, तो पहले बहुत सारी ज्वाइंट फैमिलीज थी, वर्क दोनों पेरेंट्स वर्किंग नहीं होते थे, लेकिन आज दोनों पेरेंट वर्किंग है, न्यूक्लियर फैमिलीज हो चुकी है। तो हर बंदे को आज ये टिप्स पता होनी चाहिए।
काउंसलिंग सिर्फ आपको बच्चों के लिए नहीं, दोनों कपल्स हो, हस्बैंड वाइफ हो, एक दूसरे की चीजें भी आपको समझने के लिए या एक दूसरे को समझाने के लिए भी काम में आएगा। आप जहाँ पे काम करते हो लोगों को हैंडल करने के लिए भी ये स्किल आपको काम में आएगी। तो दोस्तों ये बुक 7 to 8 पार्ट्स में मैंने डिवाइड की है। उसका पहला पार्ट है कि काउंसलिंग स्किल की जरूरत क्या है, ये हम लोग कल के एपिसोड में देखेंगे, लेकिन आज जाते जाते कुछ चीजें आपको याद रखनी है। दोस्तों एक मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त ने एक चीज की है, जो आदमी सूरज की तरह चमकना चाहता है उसे सूरज को उगते हुए देखना चाहिए। तो दोस्तों हर रोज सुबह आप जल्दी उठिए, हर रोज आप कम से कम 30 मिनट्स तक फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, 10 मिनट का मेडिटेशन कीजिए, उसके बाद रोज हर रोज मेडिटेशन के बाद आपको जो कुछ आइडियाज आते हैं वो आइडियाज को आप लिख के रखिए, वही आइडियाज आपको आगे बढ़ने के लिए काम में आएंगे। कल दिन भर में मैं आपने क्या गलती की है वो लिख के रखिए, कल दिन भर में आपने क्या अच्छा काम किया वो लिख के रखिए, और ये सबको आप मेडिटेशन के बाद कीजिए और देखिए उसके बाद आपका दिन कितना अच्छा होगा। तो दोस्तों आज इधर ही रुकते हैं, लेकिन जाते जाते हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमारा Facebook पेज एंड Instagram का जो पेज है VM Tutorials उसको लाइक जरूर कीजिए, और मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। आज इधर ही रुकते हैं, कल फिर मिलते हैं पहले एपिसोड में, नीड ऑफ काउंसलिंग, काउंसलिंग स्किल की जरूरत क्यों है, और ये मेरे वीडियोस आप दूसरे लोगों को भी भेजिए, उसकी वजह से आप एक बहुत ही अच्छा काम कर पाएंगे। जो लोग ये बच्चों के प्रॉब्लम से, फैमिली के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उनको इसमें जो मिलने वाली टिप्स है वो जरूर काम में आएगी। आज इधर ही रुकते हैं, थैंक यू, गुड नाइट।